हेलो गाइस, आज का वीडियो है ड्यूल स्टेटर कंट्रोलिंग वायरिंग। आज हमें ड्यूल स्टेटर कैसे कंट्रोलिंग वायरिंग होता है आज हमें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले मेरे को फेज उठाना है। फेज उठाने के बाद मेरे को एमसीबी से इनपुट कनेक्शन करना है। एमसीबी से आउटपुट से निकल के रिले में आएगा। देन उसके बाद रिले आउटपुट से डायरेक्ट मेरा स्टॉप पुश बटन में आ जाएगा बा एनसी नॉर्मल क्लोज। देन स्टॉप पुश बटन से आउटपुट से निकल के डायरेक्ट स्टार्ट पुश बटन में आ जाएगा। उसको बोलते हैं नॉर्मल ओपन। देन स्टार्ट पुश बटन से डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। कॉन्टैक्टर कॉइल A1 में ही आएगा। देन A2 में न्यूट्रल आ जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब मैं सप्लाई को एमसीबी में दिया, एमसीबी ऑन किया, उसके बाद रिले में आ जाएगा। जब रिले में आ जाएगा, रिले में दो पॉइंट होता है इनपुट देने के लिए, 95 और 96। ये है इनपुट और आउटपुट, इसको बोलते हैं एनसीबी बोलते हैं। मेरे इनपुट देना है, ये 95 का है, 96 है। जब मैं इसमें इनपुट दिया और आउटपुट से निकल के डायरेक्ट मेरा स्टॉप पुश बटन में आ जाएगा। उसके बाद स्टॉप पुश बटन से आउटपुट से निकल के स्टार्ट में आ जाएगा। देन स्टार्ट के बाद डायरेक्ट मेरा A1 में ही आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का। उसमें क्या है ना, न्यूट्रल तो ऐसे मिलता है, डायरेक्ट कनेक्ट है A2 में। जब मैं स्टार्ट को दबाऊंगा ये वाला पार्ट इधर इधर कनेक्ट हो जाएगा। सप्लाई मेरा यहाँ तक ही आ जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्टर मेरा पिकअप होगा। जब मैं उसको को छोड़ दूंगा, स्टार्ट बटन को छोड़ दूंगा, ये क्या होगा ना, स्टार्ट बटन जब मैं छोड़ दूंगा, ये क्या होगा ना, कॉन्टैक्टर मेरा बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अपने को होल्डिंग देना पड़ता है। किसको होल्डिंग देना पड़ता है, आप डाउट में पड़ गया होगा। देखिए, अपने का किसको को होल्डिंग देना पड़ेगा, अपने को स्टार्ट बा एनओ को होल्डिंग देना पड़ता है। कैसे देनाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से आपको कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग देना पड़ेगा, एनओ कॉन्ट्रैक्टर का एनओ में होल्डिंग देना पड़ेगा। यह है होल्डिंग। देखिए और एक देखिए, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को एक बार होल्डिंग दे दिया, उसके बाद
जब मैं स्टार्ट करूँगा पुश बटन, जब स्टार्ट करूँगा तब मेरा कॉन्ट्रैक्टर इधर सप्लाई मिल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। देन जब मैं स्टार्ट बटन छोड़ दूँगा वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ही पिकअप रहेगा। जब तक मैं एनसी नहीं दबाऊँगा तब तक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ही चालू रहेगा। जब मैं एनसी को दबाऊँगा ना, वो मेरा सप्लाई इधर से इधर नहीं आएगा, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। आपको उसके और एक बार ध्यान देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर कितना का वोल्टेज होना चाहिए, आपको देखना कितना वोल्टेज का कॉइल होना चाहिए, 220, 440, 110 या 24 डीसी वोल्ट, 24 डीसी वोल्टेज आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आपने को कॉन्ट्रैक्टर में वो सप्लाई आ जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दूसरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, रहते हैं।